नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। तो फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। जज लोया केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया केस में SIT जांच का आदेश देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज लोया के निधन की SIT जांच नहीं होगी। SIT जांच की मांग की सुनवाई करते हुए कहा जज लोया की मौत संदिग्ध नहीं थी। SIT की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज लोया की मौत सामान्य थी। जज लोया मामले की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा जजों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अब मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनहित याचिका की आड़ में राजनीतिक हित न साधे, जनहित याचिका को मजाक न बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनीतिक और कारोबारी दुश्मनी कोर्ट के बाहर निपटाएं, आपसी मतभेद मिटाने के लिए कोर्ट का सहारा न लें। जज लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले याचिकाकर्ता, कहा अदालत का फैसला चौंकाने वाला है। जस्टिस लोया मामले पर SC के फैसले के बाद BJP का हमला। संबित पात्रा ने कहा याचिका के पीछे राहुल गांधी का अदृश्य हाथ था। BJP का आरोप, राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ साजिश की, राहुल गांधी से माफी की मांग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का आरोप ये जनहित नहीं कांग्रेस हित का केस था, इस साजिश के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस माफी मांगे। जस्टिस लोया मामले पर रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला। कहा अमित शाह पर संगीन आरोप लगाए गए, कांग्रेस की साजिश बेनकाब हुई। जज लोया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस का सवाल, बिना जांच कैसे साबित हुआ मौत नेचुरल थी या नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए दुखद, जज लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट से कई जवाब नहीं मिले। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जज लोया केस में कोई जांच नहीं की गई, पूछा हार्ट अटैक से मौत हुई तो ECG नॉर्मल कैसे। जज लोया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कोर्ट का फैसला एक संदेश है। लोया के निधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ। संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई, कहा जिस तरह लोया का पार्थिव शरीर लातूर लाया गया उससे शक होता है। वकील प्रशांत भूषण ने जज लोया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया, कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए आज काला दिन है। जज लोया मामले पर पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा सारे तथ्य गलत थे, याचिकाकर्ता का मकसद सरकार के लोगों पर फोकस करना था। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर फैसला देने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर, हाईकोर्ट में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया। हाईकोर्ट ने जज रविंदर रेड्डी को 15 दिन की छुट्टी की जो मांग थी वो भी रद्द कर दी, आज ही कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के बाद जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट पर आए फैसले को चुनौती देंगे ओवैसी, कहा NIA का दोहरा रवैया। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक पर खुलकर बोले PM, कहा हमारे जवान टेंट में सोए थे, कुछ बुजदिलों ने आकर मौत के घाट उतार दिया जिसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे अपने जवानों पर गर्व है, जो योजना बनाई थी उसे 100% इम्प्लीमेंट किया और सूर्योदय से पहले लौट आए। प्रधानमंत्री ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी देशवासियों को देने से पहले पाकिस्तान को दी गई, लेकिन पाकिस्तान के अफसर फोन पर आने से डरते रहे। PM के बयान पर कांग्रेस का हमला। शशि थरूर ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई लेकिन पिछली सरकारों ने मीडिया में बताकर वाहवाही नहीं दी। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना चेतावनी दी, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले संभल जाए कहा। PM मोदी ने कहा हिंदुस्तान बदल गया है, ये मोदी है जो उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानता है जो जैसी भाषा बोलता है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत दूसरे देशों से बराबरी का व्यवहार करता है, हम आंख झुकाकर नहीं आंख मिलाकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर निशाना साधा, कहा मेरे पास कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी, मुझे किसी परिवार के जरिए राजनीतिक कुर्सी नहीं मिली। कॉमनवेल्थ देशों की बैठक में भाग लेने पहुंचे PM मोदी, ब्रिटेन की PM थेरेसा मे और कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल ने स्वागत किया। लंदन में युगांडा के राष्ट्रपति से मिले PM मोदी, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कठुआ गैंगरेप की घटना पर बोले PM, कहा बच्ची से रेप बेहद दर्दनाक घटना रही। PM के रेप वाले बयान पर मीम अफजल ने कहा निर्भया मामले में BJP ने क्या किया था, PM को भूलना नहीं चाहिए। कठुआ गैंगरेप की घटना पर अमिताभ बच्चन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया, कहा इस मुद्दे के बारे में चर्चा करने पर घिन आती है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कठुआ गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। शोपिया में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कई छात्र घायल। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन, कठुआ गैंगरेप को लेकर न्याय की मांग की। कर्नाटक के शिकारीपुर में BJP का रोड शो, पूर्व CM येदुरप्पा और अनंत कुमार शामिल हुए। BJP के CM प्रत्याशी येदुरप्पा ने शिकारीपुर से नामांकन भरा, नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की।
कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, कार्यकर्ताओं से कहा राज्य में बीजेपी की सरकार बने इसके लिए दिन रात एक करना होगा। अमित शाह ने सिद्धरमैया सरकार पर भी निशाना साधा, कहा केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने नहीं जाता, खुद भी वोट करें, अन्य लोगों को भी बीजेपी को वोट देने के लिए कहें। कई राज्यों में कैश का संकट बरकरार है, एटीएम में आज भी नहीं मिले नोट, चक्कर काटते रहे लोग। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा नोटबंदी का असर अभी और दिखेगा, देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम में बदलाव की जरूरत। नोटों की किल्लत देखते हुए एमपी के देवास में नोटों की छपाई का काम तेज, रोजाना 4,000 मिलियन नोट छापने का लक्ष्य। देवास के प्रेस में 3 शिफ्ट में काम शुरू किया गया, नोटों की छपाई 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में होगी। अखिलेश यादव ने नोटों की किल्लत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा लोगों की परेशानी से साबित हुआ नोटबंदी के बाद सरकार ने पर्याप्त संख्या में नोट नहीं छापे। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन के पास देखे गए 3 संदिग्ध हथियारबंद, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सुरक्षा बलों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। एयरफोर्स स्टेशन के पास 3 दिन पहले भी 2 हथियारबंद संदिग्धों ने किया था कार को हाईजैक, पुलिस को एक डॉक्टर ने दी सूचना, कई घरों की तलाशी ली गई। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कैप्टन अमरिंदर, पठानकोट के संदिग्धों पर कहा ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। लंदन में बलोच और सिंधी समुदाय का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में सड़कों का होगा काया पलट, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 8,600 किलोमीटर मरम्मत की जाएगी सड़कों की। कानपुर में महिलाओं ने रेप की घटनाओं के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, बैनर और पोस्टर लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार से की आरोपियों के लिए फांसी की मांग। बिजनौर में प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला को डॉक्टर्स ने भर्ती करने से इनकार किया, बच्चे की सड़क पर जन्म लेते हुए मौत हुई, परिवार ने हंगामा किया। फतेहपुर में बिजली के तार से हुए शॉर्ट सर्किट से खेत में तैयार फसल जली, करीब 50 बीघा जमीन पर लगी 200 क्विंटल गेहूं की फसल से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 30 लोग घायल, 19 की हालत नाजुक। यूपी के आजमगढ़ में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क जाम करके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के बलिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, सरदसपुर इलाके का मामला है ये। यूपी के हापुड़ में स्कूल की जमीन के लिए धरना, स्कूल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जौनपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से पुलिस को 2 देसी तमंचे और जिंदा कारतूस मिले। झांसी में कच्चा बनियान गिरोह का आतंक, 3 घरों में लाखों की चोरी की सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। यूपी के महाराजगंज में गांव प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया नाबालिग से गैंग रेप, आरोपी टीम गठित कर प्रधान और उसके सहयोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में 6 साल की बच्ची से रेप, पीड़िता गांव में आई बारात को देखने के लिए घर से निकली थी, आरोपी युवक गिरफ्तार। होशियारपुर में शराबी शख्स ने पत्नी से झगड़े के बाद 2 साल के बेटे को कोयले की भट्टी में फेंका, 25% तक जला मासूम, हालत गंभीर। सूरत में अरबों रुपए के मालिक और हीरा कारोबारी दीपेश शाह का 12 साल का बेटा बना जैन मुनि, परिवार में बड़ी बेटी ने भी 12 साल की उम्र में ली थी दीक्षा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तेज रफ्तार कार का कहर, हादसे में सड़क पार कर रहे शख्स की मौत हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हरियाणा के सोनीपत में गन्नौर इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा, फैक्ट्री में लगी आग, 3 मजदूर झुलसे, 1 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन के बाद मलबे से कई मकान बहे, बेसहारा और बेघर हुए लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। जोधपुर में नाबालिग की जबरन शादी कराने का आरोप, लड़की के पिता की शिकायत पर दूल्हा समेत 13 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में 4 गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में शादी के दौरान की गई फायरिंग में एक युवक की मौत, 1 बाराती ने चलाई थी गोली। ओडिशा के तितलागढ़ में कॉलेज बिल्डिंग में घुसा भालू, महिला समेत 3 लोगों को घायल किया, वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। राजस्थान के रणथंभौर में रिहायशी इलाके में घुसे टाइगर, इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। मुंबई में पकड़ा गया 1 किलो 10 ग्राम सोना, एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में छिपाकर शारजाह से लाया गया था, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में चोरी के आरोप में 4 महिला गिरफ्तार, 1 आरोपी महिला फरार। गुरदासपुर में 15 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। होशियारपुर में मासूम से रेप, घर में ही रहने वाले किराएदार पर आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। हरियाणा के हिसार में 9 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, परिवार की शिकायत पर पीड़िता का कराया गया मेडिकल, पुलिस ने शुरू की जांच।
गुरुग्राम में पति ने की पत्नी की हत्या, फेसबुक पर पुरुष दोस्तों से किया करती थी बात, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, सेंसेक्स 96 अंक और निफ्टी 39 अंक चढ़कर बंद। सरकारी बीमा कंपनियों की मर्जर प्रक्रिया होगी तेज, 23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय की बैठक, कंसल्टेंट की नियुक्ति पर विचार संभव। गलत इनकम टैक्स भरने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर विभाग की चेतावनी, जुर्माना देना होगा, केस भी दर्ज हो सकता है। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को मिल सकती है राहत, फ्लाइट लेट होने की वजह से छूटी दूसरी फ्लाइट तो मिलेगा 20,000 मुआवजा, सरकार ने रखा प्रस्ताव। रिएम्बर्समेंट पर नहीं लगेगा जीएसटी, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ दिन पहले रिएम्बर्समेंट पर जीएसटी लगने की आई थी खबर। वोटर्स को खरीदने के लिए तेज हुई जंग, मुंजाल और बर्मन ने ऑफर बढ़ाया। आईपीएल में आज हैदराबाद और पंजाब की टीमों के बीच मुकाबला, मोहाली में खेला जाएगा मैच। चेन्नई टीम ने अपने फैंस को दिया खास गिफ्ट, पुणे तक फैंस को ले जाने के लिए चेन्नई से चलाई गई खास ट्रेन। सोशल मीडिया पर हार के बाद मजाक उड़ाए जाने से नाराज हुए गौतम गंभीर, बोले नहीं किया दिल्ली टीम ने कोई गुनाह। बॉल टैंपरिंग के बाद हुई बदनामी के बाद ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने किया वादा, नए युग की शुरुआत पर छवि जरूर सुधारेंगे। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में मैचों पर संकट, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। डोपिंग बैन के बाद वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की टीम में वापसी, टीम में शामिल किया गया। भारत 2026 यूथ ओलंपिक, 2030 एशियाई खेलों और 2032 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा, आईओए अध्यक्ष ने ऐसी जानकारी दी है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग ना होने से शूटर जीतू राय भी नाराज, गेम्स के बहिष्कार की मांग का किया समर्थन।